गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 इंग्लिश 1 चैप्टर 14 व्हाट केटी डिड, केटी ने क्या किया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुसन कोलेज। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट अ गर्ल नेम्ड केटी। इस चैप्टर में हम एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा किसी भी किताब को पढ़ने में दिलचस्पी लेती थी। इस कहानी में अन्य बच्चे और उसके दोस्त भी शामिल हैं। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं केटी का द 12 ईयर ओल्ड हीरोइन ऑफ द स्टोरी। डोरी हर 6 ईयर ओल्ड ब्रदर, जो हर 5 ईयर ओल्ड सिस्टर, एलसी हर 8 ईयर ओल्ड सिस्टर, सीसी हर फ्रेंड नेक्स्ट डोर, एंड एसी हर फादर सिस्टर, फिली हर 4 ईयर ओल्ड ब्रदर, क्लोवर हर सिस्टर। ये सब इस नाटक के या कहानी के पात्र हैं। आए बच्चों, हम इस कहानी को ध्यानपूर्वक अपने टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ें और समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल स्टडी इन द टेक्स्ट बुक चैप्टर 14 व्हाट केटी डिड, written by Susan Coolidge. All this time Katie had been sitting in the library poring over a book. It was Thesis Jerusalem Delivered. The man who wrote it was an Italian, but somebody had done the story over into English. It was rather a strange book for a little girl to take a fancy to, but somehow Katie liked it very much. It told about knights and ladies and giants and battles, and made her feel hot and cold by turns as she read, and as if she must rush at something and shout and strike blows. Katie was naturally fond of reading. Papa encouraged it. He kept a few books locked up and then turned her loose in a library. She read all sorts of things, travels and sermons and old magazines. Nothing was so dull that she couldn't get through with it. Anything really interesting absorbed her, so that she never knew what was going on about her. The little girls to whose houses she went visiting had found this out and always hid away their storybooks when she was expected for tea. इस समय केटी पुस्तकालय में बैठी थी, एक पुस्तक पर विचार कर रहे थे या तसुस की जैसे सलेम ने उधार किया था। जिस व्यक्ति ने इसे लिखा वह एक इटालियन था, लेकिन किसी ने इसे अंग्रेजी में ख़त्म कर दिया था। यह एक छोटी सी लड़की के लिए एक अजीब किताब थी जो एक फैंसी लड़की को लेने के लिए थी, लेकिन किसी तरह केटी को बहुत पसंद आया। इसने शूरवीरों और महिलाओं और दिग्गजों और लड़ाइयों के बारे में बताया और पढ़ते हुए उसे गर्म और ठंडा महसूस करवाया, और जैसे वह पढ़ती गई वैसे वह किसी चीज में भागती और चिल्लाती और मारती है। केटी को स्वाभाविक रूप से पढ़ने का शौक था। पापा ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कुछ पुस्तकों को बंद रखा और फिर पुस्तकालय में ढीली हो गई। वह सभी प्रकार की चीजों को पढ़ती थी, यात्रा और उपदेश और पुराने मैगजीन। कुछ भी इतना सुस्त नहीं था कि वह इसके साथ नहीं मिल सके। कुछ भी वास्तव में दिलचस्प उसे अवशोषित कर लेता था, ताकि वह कभी नहीं जान सके कि उसके बारे में क्या चल रहा है। छोटी लड़कियां जिनके घर वह गई थी उन्हें वह पता चला और हमेशा अपनी कहानी की किताबों से उसे दूर रखा।
जब उन्हें चाय की उम्मीद दी। इफ दे डिडंट डू दिस शी वॉज श्योर टू पिक वन अप एंड प्लंज इन एंड देन इट वॉज नो यूज टू कॉल हर और टग एट हर ड्रेस फॉर शी नाइदर सो नोर हर्ड एनीथिंग मोर टिल इट वॉज टाइम टू गो होम। यदि वे ऐसे नहीं करती तो वह एक को उठाती और उसमें डुबकी लगाने के लिए निश्चित थी। वह फिर उसे बुलाने या उसके ड्रेस पर टक करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसने घर जाने का समय तक ना तो देखा और न ही कुछ सुना। The afternoon she read the book till it was too dark to see any more. On her way upstairs, she met Aunt Essie with bonnet and shawl on. Where have you been? She said. I have been calling you for the last half hour. दोपहर तक वह किताब को तब तक पढ़ती रही जब तक कि उसे और अधिक देखने के लिए अंधेरा नहीं हो गया। वही रास्ते वह बोनेट और शॉल पहने एंट एसी से मिले। वह पूछे, आप कहाँ थे? मैं आपको पिछले आधे घंटे से बुला रही हूँ। आई डिडंट हियर मैम बट वेयर वेर यू परसिस्टेड मिस एसी इन द लाइब्रेरी रीडिंग रिप्लाइड केटी। केटी एसी को मिस एसी से उत्तर देती है, मैं आपको नहीं सुना मैम, लेकिन तुम कहाँ थी? एसी ने कहा। केटी फिर उत्तर देती है, लाइब्रेरी में मैं पढ़ रही थी। हर आंट गेव ए सॉर्ट ऑफ स्निप बट सेड नो मोर। आई एम गोइंग आउट टू ड्रिंक टी विथ मिसेस होल एंड अटेंड द इवनिंग लेक्चर। शी वेंट ऑन, बी श्योर that Clover gets her lesson and if Cece comes over as usual, you must send her home early. All of you must be in bed by 9. फिर उसकी चाची ने अपना मुंह मोड़ लिया लेकिन और कुछ नहीं कहा। मैं और कहा कि मैं श्रीमती होल या वहाँ पर होल में लेक्चर को सुनने जा रही हूँ, भाग लेने निकल जा रही हूँ, और वह चले गए वहाँ से। फिर उसने कहा कि क्लोवर अपना लेसन पढ़े और सीसी हमेशा वहाँ आती है तो वह उसे जल्दी घर भेजना चाहिए। अभी सभी को और सभी को 9 बजे तक बेड में लेट जाना चाहिए। Yes, ma'am, said Kitty, but I fear she was not attending much, but thinking in her secret soul how jolly it was to have Aunt Essie go out for once. Miss Kerr was very faithful to her duties. She seldom left the children, even for an evening, so whenever she did, they felt a certain sense of novelty and freedom, which was dangerous as well as pleasant. लेकिन मुझे डर है कि वह अपनी गुप्त आत्मा के बारे में बहुत सोच विचार नहीं कर रही थी। आंटी एसी का एक बार बाहर जाना कितना मजेदार था। मिस केटी कर वॉज वेरी फेथफुल, ईमानदार थी अपने कामों पर, लेकिन वह कभी कभी बच्चों को छोड़ती थी और उनके विचार के अनुसार वह व्यवहार कुछ खतरनाक और साथ ही सुखद थी। स्टिल आई एम श्योर दैट ऑन दिस ओकेशन केटी मेंट नो मिसचीफ। लाइक ऑल एक्साइटेबल पीपल शी सेल्डम डिड मीन टू डू रॉन्ग। शी जस्ट डिड इट व्हेन इट केम इनटू हर हेड। Supper passed off successfully and all might have gone well had it not been that after the lessons were learned and Cece had come in, they fell to talking about
किरकिरी, वह अभी कुछ नुकसान नहीं किया, रात का भोजन भी और अच्छी तरह से खाई, बच्चे अपने लेसन भी सीख लिए। और बीच में जब सीसी उसके फ्रेंड आई, उन्होंने किरकिरी के बारे में बातें करने लगे। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, नेक्स्ट पैराग्राफ। किरकिरी वॉज ए गेम विच हैड बीन वेरी पॉपुलर with them a year before. They had invented it themselves and chosen for it this queer name out of an old fairy story. It was a sort of mixture of blind man's buff and tag, only instead of anyone's eyes being bandaged, they all played in the dark. One of the children would stay out in the hole, which was dimly lighted from the stairs, while the others hid themselves in the nursery. When they were all hidden, they would call out Kikuri as a signal for the one in the hole to come in and find them. Of course, coming from the light, he could see nothing, while the others could see only dimly. It was very exciting to stand crouching up in a corner and watch the dark figure stumbling about and feeling to right and left, while every now and then somebody just escaping his clutches would slip past and gain the hole, which was Freedom Castle. With a joyful shout of Kikri, Kikri, Kikri ki, whoever was caught had to take the place of the catcher. But so many scratches and black and blue spots came of it, and so many of the nursery things were thrown down and broken, that at last Aunt AC issued an order that it should not be played any more. This was almost a year since, but talking of it now put it into their heads to want to try it again. Kikri एक बहुत प्रचलित खेल था जिसको बच्चों ने ही आविष्कृत किया था, या एक परियों का खेल जैसा था। वे एक खेल खेलते थे बच्चों में ही, एक ही बच्चे को वे आँखों को बंद किया जाता था और उसे प्रकाश की कोठरी में खड़ा करके, और फिर दूसरे बच्चे बाहर अंधेरे में या कम प्रकाश वाले लाइट के नर्सरी में छिप जाते थे। फिर वे एक साथ चिल्लाते केकरे केकरे, या एक पकड़ने का सिग्नल था कि वह प्रकाश की कमरे से अंधकार में जाकर छुपे हुए व्यक्तियों को ढूंढ निकाले। छुपे हुए बच्चे किसी भी तरह से तुरंत छुटकर उस होल जिसको फ्रीडम कैसल कहते हैं, फ्रीडम कैसल, तो वे उस होल को पाने के लिए दौड़ते थे। यदि खोजने वाला छिपने वाले को पकड़ लेते तो वही दूसरा खोजने वाला या पकड़ने वाला बनता था। इस प्रकार बच्चे नर्सरी के सामानों को तोड़ फोड़ भी करते थे। बाद में एंट एसी आती है और उन्हें खेलने से मना करती है, पर वे अपने खेल में बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं। आफ्टर ऑल वी डिडंट प्रॉमिस, सेड सीसी, नो, एंड पापा नेवर सेड ए वर्ड अबाउट आर नॉट प्लेइंग इट, एडेड केटी, टू हूम पापा वॉज अथॉरिटी।
and must always be minded, while Aunt AC might now and then be defied. So they all went upstairs. Dorry and John, though half undressed, were allowed to join the game. Philly was fast asleep in another room. It was certainly splendid fun. Once Clover climbed up on the metal piece and sat there, and when Kitty, who was finder, groped about a little more widely than usual, she caught hold of Clover's foot and couldn't imagine where it came from. Dorry got a hard knock and cried, and at another time Katie's dress caught on the bureau handle and was frightfully torn. The fun and frolic seemed to grow greater the longer they played. In the excitement, time went on much faster than any of them dreamt. Suddenly, in the midst of the noise came a sound, the sharp distant slam of the door at the side entrance. Aunt AC had returned. Aunt AC ke batane ya mana karne par bhi bacche khelte the. Unke papa bhi mana nahi kiya, lekin unhe laga ki Aunt AC papa ko sari baatein bata denge. Idhar ve Dorry aur John aadhe kapde pehne घर के ऊपर वाले अपस्टेयर्स में चले गए और छिप गए। फिली दूसरे रूम में सो रही थी। क्लोवो वह लकड़ी के बनावटी के ऊपर बैठी थी। अब केटी की बारी थी छिपने वाली को ढूंढने की। वह तेजी से इधर उधर सबको ढूंढ रही थी, और अचानक उसने क्लोवर के पैर को पकड़ ली और वह सोच ही नहीं सका और वह रोने लगा और डोरी को भी जोर से धक्का लगा। केटी के कपड़े एक कार्यालय के दरवाजे का हैंडल से उसका कपड़ा भी फट गया। इस प्रकार वे बहुत लंबे समय तक खेलते रहे। अचानक वहाँ फिर से एंट एसी वापस आ गई थी। द डिसमे एंड कन्फ्यूजन ऑफ दैट मोमेंट सी सी स्लिप्ड डाउनस्टेयर्स लाइक एन ईल। एंड फ्लेट ऑन द विंग्स ऑफ फियर अलोंग द पाथ विच लेड टू हर होम मिसेस होल एज शी बेड एंड एसी गुड नाइट एंड शट Dr. Carr's front door behind her with a bang might have been struck with a singular fact that a distant bang came from her own front door like a sort of echo. But she was not a suspicious woman, and when she went upstairs, there were Cece's clothes neatly folded on a chair, and Cece herself in bed, fast asleep, only with a little more color than usual in her cheeks. सभी बच्चे उन्हें देखकर घबरा गए। Cece नीचे ही रह गई और डर से घर पहुंच गई। मिसेस होल एंड एसी को गुड नाइट कहा और डॉक्टर कास सामने का दरवाजा बंद कर दिया। वो संदेह करने वाली औरत नहीं थी। जब वह घर से अपस्टेज पर गई तो देखा कि सीसिस के कपड़े अच्छे से चेयर में रखा हुआ और बिस्तर पर लेटी थी। मेन टाइम एंड एसी वॉज ऑन हर वे अपस्टेज एंड देर वॉज पैनिक इन द नर्सरी। केटी फेल्ट इट एंड बेसली स्कल्ड ऑफ टू हर ओन रूम where she went to bed with all possible speed. But the others found it much harder to go to bed. There were so many of them, all getting into each other's way, and with no lamp to see by,
Dory and Joan poked under the clothes, half undressed. Elsie disappeared and Clover, too late for either, and hearing Aunt Izzy's step in the hall, did this horrible thing, fell on her knees, with her face buried in a chair, and began to say her prayers very hard indeed. इसी बीच एंड इसी रास्ते पर ही थी और सभी बच्चों में घबराहट से पैदा हो गई। केटी सोची अब सब चीज बर्बाद हो गया और वह तेजी से अपने रूम पर चली गई। सभी को परेशान से बिस्तर पर लेट जाने को थे। वहां अंधकार था, सभी बच्चे इधर उधर जा रहे थे। डोरी और जोन हाफ ड्रेस पहने हुए थे। एलसी गायब हो गई थी और क्लोवर देरी से हॉल में गया और केटी बहाना बनाने की कोशिश की। वह चेयर के बल घुटने टेकते हुए अपने आप को छिपाकर बहुत जोर जोर से प्रार्थना शुरू की। Aunt Izzy, coming in with a candle in her hand, stood in the doorway astonished at the spectacle. She sat down and waited for Clover to get up, while Clover on her part didn't dare to get up, but went on repeating, "Now I lay me," over and over again, in a sort of despair. At last, Aunt Izzy said very grimly, "That will do, Clover. You can get up." And Clover rose, feeling like a culprit, which indeed she was, for it was much naughtier to pretend to be praying than to disobey Aunt Izzy and be out of bed after 10 o'clock. Though I think Clover hardly understood this then. अब आंट इसी मोमबत्ती लेकर हॉल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह वहीं बैठी रही और क्लोवर के उठने तक इंतजार करती रही। उसने क्लोवर को उठाया, वह उठा और अपने आप को अपराधी समझ रहा था। इधर केटी सोची कि बात का उल्लंघन करने से अच्छा प्रार्थना करके बहाना बनाना अच्छा है, लेकिन क्लोवर वह यह सब उनको पता नहीं था। एंड एसी एट वंस बिगन टू अनड्रेस हर एंड व्हाइल डूइंग सो आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस दैट बिफोर लॉन्ग शी हैड गॉट द ट्रूथ ऑफ द होल मैटर। She gave Clover a sharp scolding, and leaving her to wash her tearful face, she went to the bed where Joan and Dory lay, fast asleep and snoring as conspicuously as they knew how. Something strange in the appearance of the bed made her look more closely. She lifted the clothes and there, sure enough, they were half dressed and with their school boots on. तुरंत आंट इसी क्लोवर से खुलकर बातें करने लगी और उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उसे सारा नाटक या खबर मालूम हो गया। वह क्लोवर को बहुत गालियाँ दी और उसके चेहरे को वह धोने को कहा। वह हॉल पर गई तो देखी कि जोन और डोरी तुरंत सो गए और सुस्पष्टता से खराटे लेने लगे। एंड एसी को बेड कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वह नज़दीक गई और कपड़े उठाकर देखा कि वे दोनों कहाँ हैं। अभी
जॉन और डोरी हाफ ड्रेस पहने अपने स्कूल जूते के साथ बेड पर लेटे थे। Such a shake as Aunt AC gave the little scamps at this discovery would have roused a couple of dormice such against their will. John and Dory were forced to wake up and be slapped and scolded and made ready for bed. Aunt AC standing over them all the while like a dragon. She had just tucked them warmly in when for the first time she missed Elsie. "Where is my poor little Elsie?" she exclaimed. "In bed," said Clover. Aunt AC ने छोटे बदमाशों को बहुत डांटा। वह जॉन और डोरी को बेड से उठने के लिए मजबूर किया। वह उन्हें थप्पड़ मारा और उन्हें बहुत गालियाँ दी। उनके लिए वह बिस्तर सजाया। वह एक दैत्य की तरह खड़ी थी। पहली बार एलसी को उसने मिस किया। वह चिल्लाई, "मेरी छोटी एलसी कहाँ है?" क्लोवर ने कहा, "बेड में." "इन बेड?" रिपीटेड एंट एसी, मच अमेज्ड। देन बेंडिंग डाउन शी गेव ए विगोरियस पुल। द ट्रडल बेड केम इन टू व्यू एंड श्योर इनफ there was Elsie in full dress, shoes and all, but so fast asleep that not all Aunt AC's shakes and pinches and calls were able to rouse her. Her clothes were taken off, her boots unlaced, her nightgown put on, but through it all Elsie slept, and she was the only one of the children who did not get the scolding she deserved that dreadful night. फिर आंट एसी ने आश्चर्य से बोला, बेड में? फिर वह नीचे झुककर जोरदार से उसको खींची। छोटा सा पहिया वाला बेड में एलसी अपना पूरा ड्रेस जूते के साथ तुरंत सो गई। आंट एसी ने उसको हिलाई, पिंच की और उसको बुलाई, फिर भी उसको वह उठी नहीं। उसके कपड़ों को उतारे, जूते खोल दिए, रात में पहनने वाला कपड़ा पहनाया, लेकिन एलसी नहीं जागी। वह गहरी नींद में सो गई थी। सभी बच्चों में से केवल एलसी को डांट नहीं मिला, लेकिन उस भयानक रात में वह डांट मिलने की योग्य थी। बच्चों, इस तरह हम लोगों का यह लेसन समाप्त होता है। Study well. Thanks for watching.